शिक्षा कर्मियों की संविलियन को लेकर मंगलवार को हाई कमेटी और शिक्षा कर्मी संघ की बैठक हुई, लेकिन बैठक बेनतीजा रहा। मुख्य सचिव अजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश के निर्णय का अवलोकन करेंगे। इसके बाद शिक्षा कर्मी मोर्चा ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के नाम पर निर्णय टालने का आरोप लगाया। नाराज शिक्षा कर्मी 11 मई को राजधानी में महापंचायत की बैठक करेंगे। आज की बैठक में मुख्य सचिव से हमको काफी अपेक्षाएं थी, क्योंकि टीम राजस्थान गई थी, वहां से लौट के आ चुकी थी। इस बैठक में राजस्थान में क्या है कोई किसी को बताया नहीं गया, बार बार हमने निवेदन किया, आग्रह किया। अब अधिकारियों का कहना है कि एक टीम मध्य प्रदेश जाएगी। हमने पूछा कि आखिर कितने स्टेट घूमेंगे आप, पूरे प्रदेश को घूमते रहेंगे, पूरे भारत को घूमेंगे, निर्णय कब लेंगे? अधिकारियों ने कहा कि हमको बजट भी देखना है। सीधी सी बात है, शिक्षा कर्मियों के बीच फूट डालने की कोशिश की जा रही है। बजट के नाम पर खुद शिक्षा कर्मियों को संतुष्ट करने का प्रयास हो सकता है, या किसी प्रकार से इनका सोच विचार संविलियन के लिए नहीं है, ये भी समझ आ रहा है साथियों। इसलिए छत्तीसगढ़ शिक्षक पंचायत नगरी निकाय मोर्चा ने यह निर्णय लिया है कि 11 मई को राजधानी रायपुर में प्रदेश भर के शिक्षा कर्मी पदाधिकारी और शिक्षा कर्मी साथियों को बुलाकर महापंचायत किया जाएगा, और उस महापंचायत में जनादेश लेकर उनसे पूछकर आगे के कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। आप सब राजधानी रायपुर में सादर आमंत्रित हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।